नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसी कोल। तो वही खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और इसी बीच रुक करते हैं श्रीनगर की ओर। तो श्रीनगर से बड़ी खबर साफ तौर पर आ रही है, कश्मीर घाटी में धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना का प्रकोप और संक्रमितों की संख्या घटने से प्रशासन ने ली राहत की सांस। श्रीनगर में आज जम्मू पर पाबंदियों में हुआ इजाफा और मेला खीर भवानी का भी आज हो रहा है आयोजन। आपको साफ तौर पर बता दें, कोरोना की अब जो लहर है घाटी में धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है और संख्या घटने से प्रशासन ने एक राहत की सांस भरी है। श्रीनगर में आज जम्मू पर पाबंदियों में हुआ है इजाफा और ये भी बता दें कि आज खीर भवानी माँ का जो मेला है वो भी आयोजित हुआ है कश्मीर घाटी में। साफ तौर पर बड़ी खबर आ रही है कि जिसमें अच्छी खबर ये आ रही है कि कोरोना के प्रकोप में अब धीरे धीरे एक धीमी लहर जो है वो देखने को मिल सकती है और ये आपको बता दें कि जहां पे संख्या घट रही है उसी के साथ साथ आज एक बड़ा दिन भी है जहां पे हम ये कह सकते हैं कि खीर भवानी माँ का मेला जो है वो भी आज आयोजित है श्रीनगर में। तो तमाम ये बड़ी खबर जो है साफ तौर पर कश्मीर घाटी से इस समय नजर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि आप भी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना का एक पीक हाई लेवल पे था लेकिन अब कश्मीर घाटी में वो जो पीक है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें प्रशासन का एक अहम रोल रहा है और प्रशासन भी अब एक राहत भरी सांस लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस बीच आपको ये भी बता दें कि आज ज्येष्ठ अष्टमी है और मेले का आयोजन जो है वो खीर भवानी माँ का मेला जो है वो भी आज श्रीनगर में आयोजित किया गया है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जहां पे तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, क्योंकि आप भी जानते हैं जब संक्रमण ने लगातार अपने पैर पसार लिए थे कश्मीर घाटी में, तो उस तरीके से तमाम पाबंदियां वहां लगाई गई थी कि आखिरकार किस तरीके से क्या क्या जो पालन है वो करना कितना जरूरी है और उस पे बात करते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की और खासा रश जो है उसे कम करने के लिए तमाम पाबंदियां जो है वो घाटी में लगा दी गई थी। लेकिन अच्छी खबर देखने को ये मिल रही है कि जिस तरीके से अब कोरोना के मरीज कम होते हुए नजर आ रहे है, धीरे धीरे जो एक ग्राफ था कोरोना का उसमें एक गिरावट जो है वो लाजमी तौर पर दिख रही है, जो कि महज एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। आपको ये भी बता देते हैं कि जहां पे संक्रमण की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही थी उसमें प्रशासन भी अब एक राहत भरी सांस भरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति थी जहां पे आए दिन मरीज जो है वहां पर आ रहे थे और अटेंडेंट भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि जहां पे इस समय सूरतेहाल ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरीके से ग्राफ भी घट रहा है उसमें अच्छी खबर जो है साफ तौर पर निकल कर आ रही है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कश्मीर से रूफ जुड़ चुके हैं, तो रूफ से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो रूफ, एक तरफ कह सकते हैं कि अच्छी बात है धीरे धीरे कोरोना के जो पैर है अब वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने भी अब कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस जो है वो जरूर ली है इनसे, क्योंकि अगर हम मामलात की बात करें, पॉजिटिव केसों की तादाद की बात करें, अब पिछले एक हफ्ते से जो मामलात है वो काफी कम आ रहे हैं और जो डेथ रेट्स है उसमें भी काफी वाजिया कमी देखने को मिल रही है। तो थोड़ी बहुत राहत की सांस तो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही अनलॉक कर दिया और अनलॉक के बीच में SOPs गाइडलाइंस या बाकी चीजों का पालन करना बड़ा जरूरी है। अब जितने मामलात कम होंगे उतनी ही ज्यादा तरीके से हम कह सकते हैं मार्केट ओपन किया जाएगा या बाकी मामलात के साथ साथ स्कूलों का भी मामला देखा जाएगा, क्योंकि स्कूल काफी टाइम बंद पड़े हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ा है। तो इस बीच में मामला जो ही कम होंगे तो ऐसे कम आने के साथ साथ ही जो सरकार की प्रायोरिटीज है बाकी चीजों को लेकर उनको भी खोल दिया जाएगा, क्योंकि अभी बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो सरकार ने है, सरकार के पास है, वो है महकमे तालीम, स्कूलों को खोलना और बच्चों के तदरीसी अमल को शुरू करना। और इसके साथ साथ अस्पतालों को लेकर अगर बात करें तो वहां पर जो OPDs या सर्जरीज जो बंद पड़ी है कुछ बड़े अस्पतालों में उनको खोलना, ये भी सरकार के प्रायोरिटीज में है। तो अब आने वाले दिनों में किस तरह के मामलात रह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था जून जुलाई अगस्त को मामलात कम हो सकते हैं और जो अभी तीसरी लहर की बात की जा रही है, थर्ड वेव की बात की जा रही है, उसके लिए तैयारी की जा रही है। तो इसी वजह से लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप एहतियात बरते, SOPs का ख्याल रखें, गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि हमें तीसरी लहर के बचाव के लिए आज से ही तदबीरें उठानी है। बिल्कुल वही रूप, बात करते हैं आज माँ खीर भवानी का मेला भी है घाटी में। क्या जिस तरीके से हर साल कश्मीरी पंडित समाज वहां पर आता है, पूजा अर्चना होती है, स्थानीय लोग मिलजुल कर जो एक भाईचारे की मिसाल वहां कायम करते हैं, क्या इस बार भी वह मेला वहां आयोजित किया गया है उस तरीके से जो भीड़ भाड़ है वो देखने को मिल रही है?
बिल्कुल, मेले का आयोजन हुआ है और वहां पे जो भाईचारा सालों से जो वहां पे भाईचारा चल रहा है उसकी मिसाल आज भी वहां पे देखने को मिल रही है। मगर सरकार ने जो एसओपीज और गाइडलाइंस दी है बराबर उन एसओपीज और गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और इसी एसओपीज और गाइडलाइंस के बीच में आज खीर भवानी का मेला भी वहां पे लगा हुआ है। वहां पे श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद है, कल से ही हम देख रहे हैं कि वहां पे श्रद्धालु आए हुए थे और मुसलमान और जो पंडित बरादरी के लोग हैं सारे इकट्ठे जाके वहां पे अभी जो मेला लगा हुआ है। मगर इसके साथ साथ सरकार ने जिस तरह पहले ही जो लोगों से कहा था कि ज्यादा भीड़ जमा ना करें और जो एसओपीज है क्योंकि एसओपीज के तहत ही लोगों को आगे आने की इजाजत दी जा रही है, उसी गाइडलाइंस और उसी एसओपीज का ख्याल रख के ही अभी जो मेला चल रहा है। और वहां से जो अभी खबरें आ रही है कि जो लोग हैं श्रद्धालु है बराबर वहां आ रहे हैं और ज्यादा भीड़ जमा न हो इस वजह से कुछ लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि पहले वो जाए दर्शन के लिए, फिर वो जो वापस आते हैं वो लोग फिर दूसरों को अलाउ किया जा रहा है। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से अब की बात जो मेला खीर भवानी का मेला जो है वहां पे लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी वहां पे लगी हुई है, पुलिस के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी। जी रूप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से अच्छी खबर भी हम कहेंगे, कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं और बीच जहां पे बात कर रहे हैं मां खीर भवानी की, तो हर साल ये साल में एक बार ये मेला आता है मां ज्येष्ठा माता का, तो तमाम कश्मीरी पंडित समाज और मिलकर जितनी भी बरादरी है वहां पे इस मेले का आयोजन करते हैं, तो इस बार भी ये उसी तरीके से चल रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन खबर जो है इस समय कश्मीर घाटी से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सामा से बड़ी खबर साफ तौर पर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो उसको लेकर जिला सामा में 18 से 44 आयु वर्ग की वैक्सीनेशन ने पकड़ा है जोर। वैक्सीनेशन के रोस्टर में आने वाले दिनों में हो सकता है बदलाव, प्रति सेंटर रोजाना 100 डोज की संख्या में भी हो सकता है इजाफा। आपको बता दें कि 11 सेंटरों पर टीका लगवाने वालों की लग रही है कतारें, तो वैक्सीनेशन को लेकर लोग जो है अब लगातार आ रहे हैं। और सामा जिला से बड़ी खबर साफ तौर पर निकल आके आ रही है कि 11 सेंटरों पर टीका लगवाने वालों की लग रही है लंबी लंबी कतारें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही जागरूक है। और आपको बता दें जहां पे ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है कि 18 से लेके 44 आयु के जितने भी लोग इस सीमा में आते हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर आगे आ रहे हैं। और वैक्सीनेशन के रोस्टर में आने वाले दिनों में एक बदलाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरीके से लोग वैक्सीनेशन को लगाने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं और एक लंबी लंबी कतारें जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स में देखी जा रही है। और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक है और इसमें खासकर युवा पीढ़ी की जहां हम बात करते हैं, युवा पीढ़ी वर्ग आगे आकर अब ये समझ चुका है कि वैक्सीनेशन लगाना कितना जरूरी है। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे जहां पे अब ये भी बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन रोस्टर में कुछ बदलाव भी आ सकते हैं और कतारें जो है वो भी देखने को मिल रही है, हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी खबर है। जब ये 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू की गई थी आज से दो दिन पहले, तो प्रशासन ने जो रोस्टर बनाया था उस रोस्टर में पहले ही प्रशासन ने कहा था कि इसमें तब्दीली की जा सकती है। एक हफ्ते का रोस्टर जो वो तैयार किया गया था जिसमें जिला सांबा के अलग 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और इसमें मौजूद आपके पीछे का आपको देखेंगे यहाँ पर लोग हैं 18 से 44 साल तक के जो एज ग्रुप के, जो 100 स्लॉट है वो एक सेंटर पर जो लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं। यहाँ पर आप बढ़ते जा रही है और इसने ये भी कदम उठाया जो लोग रह सकते उनको टोकन दिया जाएगा लेकिन अगर वैक्सीनेट रखते सकते हैं। कई कई रिस्पॉन्स है जो एक एवरेज अच्छी सामने आते हैं। आप देखते हैं जिक्र कर रहा हूँ 11 सेंटर आप ये लेकर चले कि 11 सेंटर वैक्सीनेट किया जा रहा है कि जो 11 से 44 साल तक के लोगों की जो है वो आसपास की है। उसको जल्द से जल्द कवर किया जाए और दूसरी तरफ वैक्सीन किया गया और ऑलमोस्ट सबको वैक्सीन कर दिया गया, एक चुनौती यही साल तक जी जो युवा पीढ़ियों को ज्यादा हमें देखने को मिल रही है
गया, एक दिन दो दिन दुकानदारों को दिए गए हैं, तो पब्लिक के साथ डील ज्यादा करते हैं उनको। दूसरी तरफ जो ऑनलाइन बुकिंग है, जो ऑनलाइन सालों में वो प्रक्रिया भी लगातार जारी है, आप ये कहते हैं बेहतरीन रिस्पॉन्स जो 18 से 44 साल आज जी वो देखते कि होता है भी इस तरह का जी। तो बिल्कुल ऋषि, हम कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है कि युवा पीढ़ी आगे आकर टीकाकरण जो है वो लगवा रही है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी फैलाई गई कि वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं बरगलाने की भी कोशिश की, लेकिन ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पे काफी प्रतिशत युवाओं ने जो है टीका लगवाया है, और इस अफवाह को महज अफवाह ही बताते हुए साबित कर दिखाया है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं इस कोविड महामारी से। अलग अलग तरह तरह की भ्रांतियां जो है फैलाई जा रही थी कि वैक्सीनेशन नहीं होता, उसका वैक्सीन नहीं है जी, कई विषय पब्लिक वैक्सीन नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन सामाजिक चला पहुंच पा रहे या विशेष समुदाय के लोग तो लगातार आपको वैक्सीनेट करवा लिया है, और मैं युवा पीढ़ी निशान उठ रही 44 साल तक का जो एज ग्रुप है उनको वैक्सीनेट नहीं किया, लेकिन ये कह सकते हैं कि रोजगार एक लंबा तो जिला सांबा के 3-1 साल तक के तो वैक्सीनेट किया जाता है, और मुझे लगता है तो क्या रहेगा हर एक व्यक्ति 18 साल तक का तो वो सेंटर पर पहुंचकर जी। ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि सांबा जिला से बहुत ही बेहतरीन खबर आ रही है, जहां पे रोस्टर को लेकर ये कहा जा रहा है कि रोस्टर को लेकर आगे भी हम कह सकते हैं बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ साथ लोग भी जो है अब आगे आकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक हो चुके हैं, जो बहुत ही बेहतरीन बात है, और वैक्सीनेशन को लेकर अब आए दिन जो है लंबी लंबी कतारें भी सांबा जिला में देखने को साफ तौर पर मिल रही है। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बात करते हैं किश्तवाड़ की। तो किश्तवाड़ से साफ तौर पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि किश्तवाड़ हादसे में लापता शख्स का आज सुबह बरामद हुआ है शव, और डच्चन इलाके में निर्माणधीन पुल के ढहने से पेश आया था हादसा। शबीर अहमद का शव मलबे से किया गया है बरामद। हादसे में घायल 3 लोग अस्पताल में है भर्ती। आपको बता दें कि बड़ा हादसा जो है किश्तवाड़ में पेश आया था, जहां पे एक शख्स जो है काफी समय से लापता नजर आ रहा था, और आज उसका शव जो है वो साफ तौर पर मिल चुका है, और शबीर अहमद का शव जो है मलबे से किया गया है बरामद, और हादसे में घायल 3 लोग जो है उन्हें अभी फिलहाल अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, और डच्चन इलाके में निर्माणधीन पुल के ढहने से ये बड़ा हादसा जो है साफ तौर पर पेश आया था। तो किश्तवाड़ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शव बरामद कर दिया गया है, और ये बताया जा रहा है कि जहां पे शव जो है मलबे के नीचे कहीं ना कहीं बरामद कर दिया गया है, और हादसे में 3 और लोग जो है जो घायल हो चुके थे, उन लोगों को इस समय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक बड़ा हादसा पेश आया था, और कारण जो है वो ये बताए जा रहे थे कि जो डच्चन इलाका है वहां पे निर्माणधीन पुल के ढहने से ये बड़ा हादसा उस समय पेश आया था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जब ये पुल वहां से ढहने लगा था, तो उस समय एक बड़ा हादसा वहां पर पेश आया था, और एक व्यक्ति का शव भी जो है वो साफ तौर पर मिल गया है। बाकी जो और इसमें जिन्हें गंभीर चोटें आई है उन्हें अस्पताल में उपचारण के लिए भर्ती कर दिया
गया है। आप समझ सकते हैं जब भी इस प्रकार के बड़े हादसे पेश आते हैं उसमें तमाम ऐसी जाने जो है मासूम जाने हम कह सकते हैं वो गवाते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये बता दें कि आपको जो बाकी और लोग जो इस हादसे में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें अस्पताल का रुख करवा दिया गया है और उन्हें पूरा उपचार जो भी हम कह सकते हैं वहां पे कराया जा रहा है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि जहां पे शबीर अहमद जो है उनका शव मिल चुका है और पुल के नीचे जब ये पुल ढहा था उसके बाद इनका शव जो है वो मलबे से बरामद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन वहां मौके पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थानीय लोग भी तस्वीरों में आपको साफ तौर पर मिल रहे होंगे और जो बाकी तीन लोग थे वो भी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। एक बड़ा हादसा पेश आया है और आप भी समझ सकते हैं जब इस तरीके से कई प्रकार के पुल ढहते हैं तो खास तौर पर आम नागरिक जो है जो मासूम जाने हैं वो कहीं ना कहीं आती हुई साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन जब वहां पे पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने वहां पर लाश को छानबीन करने की कोशिश की तो मलबे के नीचे से जो शबीर अहमद का शव है वो साफ तौर पर वहां से बरामद हो गया। तो आप कह सकते हैं किश्तवाड़ में ये हादसा जो है बहुत ही बड़ा हादसा पेश आया था। उसके बाद एक व्यक्ति का शव काफी समय से वहां पे नहीं मिल पा रहा था और स्थानीय लोगों ने मिलकर पुलिस प्रशासन के साथ वहां पर पुरजोर तरीके से ये कोशिश की कि आखिरकार शव को वहां से निकाला जाए। तो हाल ही में आपको बता दें कि शव जो है वो मलबे के नीचे से निकाल दिया गया है और बाकी जो लोग हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल का रुख करवाना था उन्हें अस्पताल का रुख जो है वो करवा दिया गया है। अभी हम कह सकते हैं कि जो बाकी तीन लोग हैं उनकी हालत जो है अभी ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं गंभीर अवस्था से वो बाहर निकल कर आ चुके हैं और पूर्ण रूप से उनका उपचार जो है वो किया जा रहा है। तो बहुत ही बड़ा हादसा है और स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि जहां पर ये लापता शख्स जो है उनका काफी समय से शव बरामद करने की कोशिश की गई थी और आज सुबह ही ये जो शव है वो बरामद किया गया। वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद थी और साथ में पुरजोर तरीके से जब छानबीन वहां की गई मलबे को हटाया गया। हम कह सकते हैं कि कड़ी मशक्कत के बाद मेहनत के बाद वहां से मलबे के नीचे से उस शख्स का शव जो है वो निकाल दिया गया। तो बड़ी खबर है साफ तौर पर निकल कर आ रही है और ये बता दें कि जिस तरीके से जब भी इस प्रकार के बड़े हादसे पेश आते हैं उसमें आम जाने जो है वो साफ तौर पर गवाही हुई नजर आती है। तो इसी तमाम खबर के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय शांत। चलिए अजय शांत से पूरी जानकारी लेते हैं। तो अजय अब ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति जिसका शव नहीं मिल रहा था मलबे के नीचे से मिल चुका है और बाकी जो तीन लोग हैं उनकी अवस्था की बात करते हैं, क्या अब वो ठीक ठाक है? जी प्रिंसी बिल्कुल, जो कल देर शाम को यह हादसा हुआ था दक्षिण इलाके में जो तीन लोग वहां पर जख्मी हुए थे वो जिला अस्पताल में आलाए गए हैं, उनका उपचार चल रहा है। जबकि एक व्यक्ति जो लापता था जो मलबे में दब गया था शबीर अहमद, आज सुबह उसका शव निकाला गया और अभी उसका पोस्टमार्टम करके जो है परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन लोगों का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की तरफ से क्योंकि आरएनबी द्वारा ये पुल बनाया जा रहा था वहां पर क्वालिटी मटेरियल ना होने की वजह से ये 28 फुट ऊंचा जो पिलर है बह गया जिसमें ये तीन लोग जख्मी हुए और जो नीचे काम कर रहा है मिस्त्री था शबीर अहमद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं नाराजगियां जरूर देखी जा रही है विभाग की तरफ से और उनका ये कहना है कि इसके मामले को लेकर पूरी तरह से एक जांच करवाई जाए ताकि दोबारा ये इस तरह के हादसे ना हो। जितनी बिल्कुल अजय शान देखिए कैसा ये काम करा रहे थे कि उसमें जिस तरीके से आप भी कह रहे स्थानीय लोग ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या जो मटेरियल वहां पे लगाया गया था वो इस प्रकार से था कि वो बहता हुआ नजर आया और एक शख्स ने अपनी जान भी गंवा दी और बाकी जो है तीन शख्स भी बताया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर चोटें जो है उन्हें आई है। क्या कोई उच्च अधिकारी उनके परिजनों से मिला? क्या किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें दिया? या हम कह सकते हैं कि एक हादसा हो गया और उसे हादसे को हादसे में ही टाल दिया गया? जो उनके साथ लोग वहां पर साथ है उनका जो पुलिस टीम वहां पर पहुंची है उनसे यही मांग की जा रही थी कि जो इंक्वायरी है जो एफआईआर तो लॉज हो गई है लेकिन एफआईआर आई कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसको इनडेप्थ इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि जो कल्प्रेट है चाहे जेई है या डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि उनका यह भी आरोप है कि वहां बड़ा पिलर बन रहा था उसमें सरिया नाम का चीज नहीं था, कंक्रीट बीच बीच में डाला जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उनकी मांग यही है कि इंक्वायरी होनी चाहिए। हालांकि अभी खाली उन्होंने पुलिस तक ही अपनी बात पहुंचाई है तो उनका ये भी अपील की गई है उनकी मल्टी जो गवर्नर है खुश इसमें इनिशिएटिव लें ताकि जो खर्चा है वो बाहर आए। जी प्रिंसी
जी अजीत शान जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जहां पे एक जान जो है वो गंवा चुके हैं, एफआईआर लॉन्च की गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ कार्रवाई जो है उनको लेकर की जाएगी, क्या वाकई कुछ एक बड़ा कदम जो है प्रशासन इस पर लेगा, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि स्थानीय लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार का मटेरियल वहां इस्तेमाल किया जा रहा था। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, बात करते हैं जम्मू के अस्पतालों से। एक बड़ी खबर जो है साफ तौर पर निकल कर आ रही है जम्मू में, जहां पे अस्पतालों में सोमवार से शुरू होने जा रही है सर्जरी की प्रक्रिया। आपको बता दें कि महामारी के बुरे दौर में अस्पतालों में सर्जरी पर लगी थी रोक, और अस्पतालों में फिलहाल की जाएंगी 50% सर्जरी, और स्वास्थ्य विभाग के फैसले से कई लोगों में राहत। बड़ी खबर साफ तौर पर आ रही है जम्मू के अस्पतालों से, जहां पे सर्जरी का सिलसिला जो है अब सोमवार से दोबारा से शुरू हो सकता है, क्योंकि महामारी के चलते हुए जिस तरीके से पहले ही अस्पतालों में सर्जरी पे एक रोकथाम लगी हुई थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया गया है कि अब दोबारा से एक राहत की सांस जो है वो लोग बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आपको ये बता दें कि जहां पे ये अच्छी खबर है कि अब दोबारा से ये तस्वीरें देखी जाएंगी जहां पे सर्जरी करवाने के लिए तमाम लोग जो है वो आ सकते हैं। और क्या कुछ कहना है इस पर डॉक्टर शशि सूदन का, सुनिए। एक बड़ा फैसला लिया गया है कि मंडे से, सोमवार से SMGS में तो OPD शुरू कर दी गई थी, इलेक्टिव सर्जरीज 50% यानी 100% नहीं, 50% ही शुरू कर रहे हैं, और 50% ही इलेक्टिव सर्जरीज और OPD GMC के एसोसिएटेड हॉस्पिटल की भी शुरू हो रही हैं। तो ऐसे ये गार्डेड और फेज्ड मैनर में नॉर्मेलसी की तरफ जा रहे हैं, साथ में ही ध्यान में रखते हुए कि कहीं कहीं कोई फिर से रिसर्जेंस ना हो जाए। उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से हर हमारे HOD के पास, क्लिनिकल हेड के पास अपना एक डेडिकेटेड सिम है, और वो सिम अपने वो किसी भी स्टाफ मेंबर की ड्यूटी लगा सकते हैं जिसको इस काबिल समझे। पहली अपॉइंटमेंट्स हुई होंगी एक दिन पहले, मंडे की अपॉइंटमेंट्स शनिवार को ही हो जाएंगी, और 25 की कैपिंग है, 25 से ज़्यादा अभी अपॉइंटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एमरजेंसी में आने वाले सारे लोगों को हम ऑल 24 आवर्स 24/7 सर्विसेज अवेलेबल रहे। कोरोना महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों को हटाने का जम्मू प्रशासन का फॉर्मूला आज टाइम टाइम फिक्स हो गया है। अगर यूं कहा जाए कि जम्मू के लोग ना तो अभी सुधरे हैं और ना ही भविष्य में सुधर पाएंगे, तो कुछ गलत नहीं होगा लोगों के लिए कोरोना की पहली, दूसरी या फिर तीसरी लहर कोई मायने नहीं रखती है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये तस्वीरें इसका जीता जाता सबूत है। प्रशासन ने जम्मू जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अब बेहद गिरावट के चलते जुलाई महीने में सभी दुकानें खुलवाने का मसौदा तैयार किया, लेकिन आज रिटेल की सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन बाजारों में उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाली भीड़ ने प्रशासन को भी अब सोचने को मजबूर कर दिया है। खास बात यह है कि रिटेल की दुकानों को अब पूरी तरह खोलने की मांग करने वाले लोग ही प्रशासन को उन पर दोबारा नकेल कसने को मजबूर कर रहे हैं। अब लोग घर से सामान लेने के लिए आ रहे हैं मार्केट में, और रश देखिए आपके सामने है, रश यहाँ पे पूरा दिन, यहाँ पे शाम से 6 तक रश होता है पूरा दिन, यहाँ पे कोई पालन नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे आप देखिए कल आप या देखना, इससे भी ज्यादा रश होगा, और पूरा दिन यहाँ पे जाम लगा रहता है लोगों को। वैसे अभी कोई पता नहीं है कि कोरोना है, कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना अभी है। लोगों को ये है कि घर से अगर कोई चार बंदे शॉपिंग करने आते हो, एक बंदा आए और आराम से शॉपिंग करके चले जाए वापस, ऐसे आप बीमारी और घर लेके जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसका। केसेस तो कम हुए हैं, बट ये है कि शादी का माहौल है हर जगह, सबको शॉपिंग भी करनी है, डेज तो दो दिए हुए हैं, ऑल्टरनेट डेज में आना है, तो इसलिए रश तो बहुत ज़्यादा है। बस ये है कि सब लोग जो हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही चलते हैं, और मास्क वगैरह सबने पहने हुए हैं। एक से ज़्यादा नहीं निकलने चाहिए, अगर ज़्यादा ही मजबूरी है तो फिर निकलेंगे, वो अलग बात है, बट ऐसे तो जिसको जाना है वो एक ही बंदा अगर जाएगा तो ये रश थोड़ा कम हो जाएगा।
पिछले 3 वर्षों से कोरोना महामारी का शिकार जम्मू के टैक्सी ऑपरेटर मौजूदा समय में बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की लगातार अनदेखी के कारण इन लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से उनका कारोबार ठप पड़ा हुआ है और ऐसे हालात में तमाम टैक्सी ऑपरेटर्स भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी उनके लिए मुहाल हो चुका है। इसके साथ साथ उनकी गाड़ियों की कागजात भी खत्म हो चुके हैं। इन लोगों ने सरकार से उन्हें विशेष पैकेज देने के साथ साथ टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की है। लास्ट ईयर भी थे, आज तक बिल्कुल काम नहीं चलिया। 1 महीने च थोड़ा कोई 10-12 दिन काम चले था, बाकी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कोई कंपनसेशन सानू कुछ नहीं दे रही है, कुछ साढ़े वास्ते कोई पैकेज नहीं, कोई चीज़ भी नहीं। गड्डियाँ बिल्कुल खत्म हो गई, गड्डियाँ के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रिन्यूअल नहीं हो रहे, पैसे नहीं किसी को। बाकी इन्हों सारे पैकेज होना चाहिए जो कि साढ़ा जरा घट तो घट सू रोटी खाने जोगे जो पैसा मिल सके, साढ़ा सर्कल चल सके। ये जो करोना जब शुरू हुआ 2020 को, मार्च 2020 के बाद, तो तब से हम लोगों का जो कारोबार है, धंधा है, वो पूरा चौपट है। उससे पहले भी आर्टिकल जब 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल ये 370 हटाया गया, तो उसके बाद वैसे ही काम नहीं था, और ऊपर से कोरोना आने की वजह से, कोरोना की वजह से सारा काम कारोबार जो है वो ठप है। तो हम गवर्नमेंट से भी हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमें कोई कंपनसेट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। आज देखिए आप, हमारी कितनी गाड़ी खड़ी है और सब लोग बेकार बैठे हैं, कि इवन के गाड़ियों के खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, कि जो गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, सुध-बुध ले, और जो हमारा टोकन टैक्स बढ़ाया गया है या पैसेंजर टैक्स है, ये चीज़ें जो है माफ़ की जाएँ, कि जिससे ये इंडस्ट्री बच जाए, नहीं तो ये समलों के ख़त्म होने की कगार पर है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि बसों की आपने मिनी बसों की सीटिंग कैपेसिटी जो है फुल कर दी है, तो टैक्सी की आपने अभी तक ये नहीं बताया कि टैक्सी की फुल है या 50% है, क्या है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने एक बार फिर डीपीसी की मांग को जोरों शोरों से उठाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरेशन जम्मू के प्रधान सुशील सूदन ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में अन्य सभी सरकारी विभागों में समय पर डीपीसी हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को इसके पिछले 4 वर्ष से महरूम रखा जा रहा है। सुशील सूदन के मुताबिक वो कई बार इस मुद्दे को उपचारियों के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। मेरा ये कहना है कि डीपीसी मेडिकल एजुकेशन में हर 6 महीने में हो रही है, आईएसएम में लगातार हो रही है, मगर हमारा एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें पिछले 4 साल से डीपीसी नहीं हुई है। इसी सिलसिले में हम 7 तारीख को हम डिविजनल कमिश्नर साहब से भी मिले थे कि हमारी डीपीसी का मसला है। हमने कोई ऐसा कारण नहीं छोड़ा जिसमें हम डीपीसी हम ना बात की हो। हमारा ये मानना है कि डीपीसी जो हमारा एक हक है, इम्प्लाइज कोविड-19 में आपको पता है लगातार दिन रात एक काम करके वो अपना कोविड का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे शहीद हो गए, बहुत सारे लोग हमारे जो कोविड का शिकार हुए हैं, मगर फिर भी अपना तनदेही से काम करते हैं। मगर जो डीपीसी का मसला है वो अभी हल नहीं हुआ है। मेरी आपके थ्रू ये पुरजोर अपील है डुल्लू साहब से, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने, कि जो हमारे डीपीसी का मसला है वो जल्द से जल्द हल करें। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।